अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो चुकी है। इस समय अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, तिहाड़ से बाहर आती हुई तस्वीर, और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे अरविंद केजरीवाल और वहां से दो आवाहन किया उन्होंने। पहला उन्होंने कहा कल सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। फिर 1 बजे कल दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। उन्होंने कहा, आते ही आपके बीच आकर अच्छा लगा। देश विरोधी ताकतों के साथ लड़ना है, तानाशाही खत्म करना है। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आए। सुरेश झा मेरे सहयोगी तिहाड़ जेल के बाहर इस समय मौजूद हैं। अक्षय राय इस समय अरविंद केजरीवाल के घर के सामने मौजूद हैं। सुरेश, मैं आपके पास आऊंगी वापस, क्योंकि अभी तो अरविंद केजरीवाल वहां से निकल चुके हैं, लेकिन अक्षय आप अगर तैयारियां दिखा सकें, वहां अरविंद केजरीवाल को लेकर के क्या तैयारी है, उनके आने को लेकर के कैसे कार्यकर्ता वहां जुटे हुए हैं, क्योंकि बीच में ही अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकर्ताओं ने घेरा और वहां उन्होंने अपने आप संबोधित भी किया अरविंद केजरीवाल ने, साथ ही आह्वान भी किया। नब्बे दिनों के बाद जिस तरह से तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि तमाम जो कवायदे हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं ने की है। कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का अब जमावड़ा धीरे धीरे लगना शुरू हो गया है। पटाखे भी यहाँ पर फोड़े गए हैं और जो हलचल है वो अब काफ़ी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि कुछ ही समय का समय शेष है जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचेंगे, और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पटाखे फोड़े हैं। पटाखों के निशान आपको दिख सकते हैं, तमाम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पटाखे फोड़े हैं और कार्यकर्ताओं का यहाँ पर अब कह सकते हैं कि स्वागत करने के लिए तैयार है। लड़ी यहाँ पर पूरी आपको दिखाई दे सकती है, किस तरह से लड़ी लगाई गई है, पटाखे किस तरह से फोड़े गए हैं, उसका तमाम जो सबूत हैं यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और पार्टी कोशिश कर रही है कि तमाम स्वागत यहाँ पर किया जा सके। जो नेता हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तमाम बड़े नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल की बैठक भी होने वाली है। ये कहा जा रहा है कि गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचेंगे, अरविंद केजरीवाल का एक तो स्वागत करेंगे और उसके बाद बैठक होगी, रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है। कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद उनका होगा, लेकिन वो कार्यकर्ताओं का संवाद मुझे लगता है कि कल करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इसके अलावा हनुमान मंदिर जाने का कार्यक्रम है, जो कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 11 बजे के आसपास हनुमान मंदिर पहुँचने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और लगातार कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं, पटाखे भी फोड़े गए हैं। जो निवास है, मैं कहूंगा मोहित आपको दिखा सकें, अरविंद केजरीवाल का ये जो सरकारी निवास है, यहां पर पहुंचेंगे, लड़ी लगाई गई है, यहां पर फूलों से सजाया गया है और तमाम कार्यकर्ताओं का स्वागत भी यहां पर किया गया। तो कह सकते हैं कि अब जैसे जैसे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के स्वागत की जो तैयारियां हैं वो पूरी है। सिक्योरिटी पर्सनल लगातार यहां पर लोगों को समझाते बुझाते हुए दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये निवास है, ये जो अमूमन गेट बंद रहता था आज पूरी तरह से खोल दिया गया है। इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद भी कर सकते हैं, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। मीडिया का जमावड़ा है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई है, भले ही वो अंतरिम जमानत के रूप में हो, लेकिन कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उनको लगता है कि जो 21-22 दिन की जो उनको जमानत मिली है, उसमें इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से बेहतर तैयारी कर पाएगी, बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। अब जाहिर है, यहाँ से जो है अरविंद केजरीवाल की तैयारी नेक्स्ट लेवल होने वाली है, क्योंकि ग्राउंड ही सुरेश ये रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि चुनाव के समय में गिरफ्तारी क्यों, और चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार की इजाजत मिलनी चाहिए। तिहाड़ के बाहर इस समय आप खड़े हैं और बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था ये, शायद अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं सोचा होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट का रुख ये रहने वाला है। देखिए, आज हम जब तिहाड़ जेल पहुंचे हैं, यहाँ पे हम दोपहर से, और आप देख सकते हैं नजारा जो था देखने लायक था, कार्यकर्ता में जोश जो था देखने लायक था, कि अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है वो चंद दिनों की जमानत है, लेकिन लोग जो इसको भूल चुके हैं, आप कार्यकर्ता जो भूल चुका है कि चंद दिनों की जमानत पे बाहर आए, लेकिन लोगों का जो आप कार्यकर्ताओं जो जोश है
वो देखते बनता है। जैसे हमने देखा है पीछे कि किस तरीके से आतिशबाजी की जाती, मिठाइयाँ बांटी जाती और तमाम जो नेता पहुंचे हुए थे उनको यही कहना है कि कहीं ना कहीं आप पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनको एक संजीवनी मिली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, आबकारी घोटाले के मामले में जेल हुई थी उनको, तो कहीं ना कहीं आप पार्टी में बड़ी निराशा सी थी। लोग ये समझ नहीं पाते कि आखिर चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कैसे प्रचार किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जो है अंतिम राहत मिली है, अंतिम जमानत मिली है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश भर गया और कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि सारे दरवाजे ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। यानी कार्यकर्ता को जोश जो देखते बनता है और कार्यकर्ता इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं दिल्ली के जो चुनाव होंगे और पूरे देश में जहां चुनाव होने बाकी हैं, अब पूरे जोश खरोश के साथ अरविंद केजरीवाल जब उतरेंगे और कहीं ना कहीं वह पार्टी का जो झंडा जो है बुलंद होगा और जो पार्टी जो एक समय में कोमा से भी चली गई थी, अब पार्टी को अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से एक संजीवनी मिली है। और हमें आपको ये भी दिखा दे, दूसरा पक्ष पहलू भी दिखा दे आपको कि अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल आने से बाहर निकलने से पहले लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी उसकी एक झलक हम अपने कैमरामैन को आएंगे दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना लंबा जाम लगा हुआ, यानी लोग जो है घंटों जाम में फंसे हुए, क्योंकि कार्यकर्ता सड़कों पर हुजूम उतर रखा है, कार्यकर्ता जो है नारेबाजी कर रहे हैं, अपने नेता के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, लोग ढोल बजा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, लोग गा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है सुरेश, तो वही लोगों को भारी परेशानी हो रही है।